1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल इस विजय दिवस की यह 50वीं वर्षगांठ है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के साथ लड़कर पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ये युद्ध भारत के लिए आज भी ऐतिहासिक है। इस लड़ाई में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस संग्राम में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त के बाद पूर्वी पाकिस्तान को आजादी प्राप्त हुई और एक नया स्वतंत्र बांग्लादेश बना। सन 1971 की इस लड़ाई में लगभग 3,900 सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 9,851 सैनिक घायल हो गए थे। विजय दिवस के मौके पर हम इन वीर योद्धाओं को नमन करते हैं। साथ ही आयरन लेडी हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी नमन करते हैं, जिन्होंने अमेरिका की चेतावनी की परवाह किए बिना भारतीय फौजों को पूर्वी पाकिस्तान भेजने का बोल्ड डिसीजन लिया, जिसके कारण ही ये संभव हो पाया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इस बोल्ड डिसीजन की प्रशंसा उस समय विरोधी पक्ष के नेताओं ने भी की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि जिस तरह से इंदिरा ने इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है, वो वाकई एक काबिले तारीफ है। सदन में युद्ध पर बहस चल रही थी और वाजपेयी ने कहा कि हमें बहस को छोड़कर इंदिरा की भूमिका पर बात करनी चाहिए, जो किसी दुर्गा से कम नहीं है। अंत में फिर एक बार इन वीर जवानों को, सैनिकों को नमन करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।